क्या करना है। आप कैसे इसे लेते हैं, कैसे सोचते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हो, क्योंकि यहां पर एक एक कार्यकर्ता का योगदान बहुत ही आवश्यक है कि मैं और मेरी टीम क्या योगदान देती है, और साथ ही साथ हम कितने उत्साहित रहते हैं अपने और अपनी टीम के साथ। दोनों चीजें मानी जाती है। निसंदेह आप लोगों ने तैयारी की है, कोई मीटिंग नहीं करने आया, तो मेरा बड़ा निवेदन है कि बहुत रिलैक्स होकर बैठे आप लोग, क्योंकि आईना हमने देख लिया है, आपके वरिष्ठ लोगों ने मुझे दिखा दिया, क्योंकि पूरी की पूरी ईमानदारी से हम आपको बताने का काम करेंगे कि आज जो हम आपके पास आए सिर्फ आपके उस अभियान में हिस्सा बन गए, कहीं भी अगर हमें ये लगता है और हमारे योगदान से अगर आपको आप कुछ हासिल करते हो तो हमें भी अच्छा लगे, मगर ये बिल्कुल तय है कि हम और आप जितने लोग यहां बैठे हैं हमने अपनी सोच क्या बनाई है इस पर निर्भर करता है आज की बैठक इस पर निर्भर करता है। हम सारे इंडिया परिवार से जब से जुड़े हैं हम एक बात जानते हैं कि दिसंबर महीना जब आता है तो आने से पहले ही परिवार के अंदर भी एक उत्सव सा माहौल बन जाता है, और बड़ी मजबूती के साथ हम लोग पता नहीं आप किसको करते हैं नहीं करते हैं, हम हमारी टीम के बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि बहुत सारे घर के जो रुके हुए काम होते हैं परिवार के, बहुत सारे काम ऐसा होता है, तो हम लोग कहते हैं अपने परिवार के अंदर मैंने दिसंबर आने दो, दिसंबर के बाद ये काम पूरा हो जाए, क्योंकि दिसंबर में इतना आय इतना धन अर्जित करते हैं कि पूरा का पूरा महीना पूरी एनर्जी से काम करने के बाद पूरे साल के सारे दुख दर्द को इसमें हम लोग समेट लेते हैं। दो काम ऐसे हैं जो हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, हमारे आपके लिए चिंता का विषय हो जाता है, चिंता का विषय होगा हमारे एक जस्ट मार्च में बच्चों का एडमिशन एक बड़ा काम होता है, साल में कैसे होता है और दूसरा होली आता है। इस देश के अंदर में दो त्योहार ऐसे हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक मनाए जाते हैं, ये क्षेत्रीय त्योहार नहीं है, होली और दिवाली, सही कह रहे हैं राइट, और ये दोनों त्योहार ऐसे त्योहार जिस पर खर्च होता है, और मेरा अपना मानना है किसी भी घटना को घट जाने के बाद सोचने वाला उसको क्या कहें, किसी भी काम को करने से पहले सोचने वाला व्यक्ति और करने के बाद सोचने वाला व्यक्ति दोनों का क्या अर्थ है, करने से पहले
सोचने वाला व्यक्ति जो होता है वो बुद्धिमान है। जब एक काम करना है प्लानिंग करते हैं, सब कुछ करेंगे, चर्चा करेंगे और फिर उस काम को करते हैं उत्साह से। और ऐसा भी होता है कि काम कर लिया बाद में अफसोस कर रहे यार हमसे हो नहीं पाया, तो उम्र क्या है? करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले अगर आप चर्चा करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, इसका मतलब आप बुद्धिमान हैं। और वो उसका कोई लाभ नहीं। और इस पवित्र महीने के अंदर में आप और आपकी टीम हो सकता है बहुत उत्साहित हो, और इसमें बहुत जरूरी इस बात का है कि हम कर क्या रहे हैं और अगर हम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, हमारे पास साधन क्या है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जिसकी दिशा तय होती है दशा उसी की, दिशा तय नहीं दशा नहीं चलती। ये दिमाग से आप लोग निकाल दें, ये दो शब्द हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं कि दशा बदलनी है तो दिशा तय करनी पड़ेगी, और दिशा तय मतलब आपकी दशा बदले ही बदलेगी, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मेरा थोड़ा आप लोगों से निवेदन है, आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पवित्र महीने में हम अपने और अपने परिवार के लिए क्या करते हैं। भाई 8 लाख या 8 हजार या 10 हजार की नौकरी की बात करें तो 8 हजार 10 हजार की नौकरी तो कहीं भी काम करके आपको मिले नहीं मिले, किसी फैक्ट्री में काम कर लो आप, किसी दुकान में आप काम कर ले, मिल जाएगा आपको आसानी से मिल जाएगा, मगर उससे आपकी दशा नहीं बदलने वाली, उससे आपका परिवार चल सकता है। अगर एक कमरे के किराए के मकान में आप है तो आप उसी किराए के मकान में रहेंगे, अपने मकान का सपना आपको नहीं देखना है या नहीं देख सकते। अगर आपके पास आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ेंगे, उससे बाहर आपने निकल के खा पाएंगे। जो पैसा आपको आ रहा है उस आखिरी वक्त तक जाते जाते फिर आप हेड टू माउथ कुछ नहीं होगा, बचेगा नहीं, बचत नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि वो 8,000 10,000 12,000 की नौकरी कर सके, आप अपनी दशा को समाज में बदल दे, नहीं बदल पाएंगे। मगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिला सहारा इंडिया परिवार के रूप में, ऐसे अभिभावक हम लोगों को मिले माननीय सारस्वती के रूप में, कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पे मेहनत करनी कर ले, ईमानदारी से अपनी दिशा को तय कर ले तो दशा बदलने की गारंटी मैं ले सकता हूं। हर हालत में दशा आपकी बदलेगी, लाख दो लाख कमाए, बड़े बात ध्यान रखना किसी मध्य वर्ग के परिवार में पैदा होना ये समान सा है, जिस परिवार के जो आदमी है वही पैदा हुआ है, मगर उस परिवार के अंदर में आपका लग कैसे बढ़े इसके बारे में आपको पढ़ा सकता सोचना। आपको आप उस परिवार में पैदा हो गए, उस परिवार में जैसे वो जी रहे हैं बाकी लोग आप भी जी रहे हैं, तो आपको अगर अलग से कुछ बड़ा सम्मान की आवश्यकता अगर आपको महसूस होगी तो आपको प्राप्त नहीं, सब कमाने वाले 10,000 12,000 15,000 सबका परिवार चल रहा, सबके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मगर वहीं पे उस परिवार के अंदर में अगर आपने एक अपना अच्छा सा घर ले लिया बड़ा सा इस सारे इंडिया परिवार ने कमा करके, आपने आप पैदल चल रहे थे, बस से चल रहे थे, कार से चल रहे थे, आपने आप कार ले लिया, आपने मोटरसाइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे, आपने कार ले लिया, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे आपने कॉन्वेंट में डाल दिया, आपके खाते में कुछ बैंक बैलेंस हो गया, आपके परिवार का रहन सहन भोजन वस्त्र सब बदल गया, तो आप उस परिवार में अलग थोड़ा दिखे नहीं दिखे अलग दिखे, क्योंकि आप उस परिवार में उस समाज में थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया,
और जब बढ़ेगा तो आप मान के चलिएगा कि आपका साथ में सम्मान। जिस वक्त 8,000 और 10,000 का मार्ग हो सकता है उसको कोई आपको अपना रिलेटिव भी ना कहे, हो सकता है, मगर अगर आप 1,00,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, कार से चल रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, अच्छा भोजन खा रहे हैं और उसको लग रहा है कि ये लोग जो धन कमा रहे हैं बड़ा सम्मान ढंग से कमा रहे हैं, एक अच्छी कंपनी में काम करके मेहनत करके कमा रहे हैं, तो हो सकता है कि वही समाज वही परिवार वही चाहता हो कि नजर में आप कि आपका स्थान थोड़ा सा अलग है। वही 10 लोगों को बोलेंगे कह रहे बोल रहे तो वो हमारा भतीजा तो है, वो मेरा भांजा तो है, वो मेरा पोता है। ये चीजें तब होती है कि जब आपके अंदर एक इच्छा होती है, आपके अंदर एक इच्छा शक्ति है कि हमें भी आगे बढ़ना, ऊपर की तरफ जाना है, समाज में एक अपना स्थान बनाना है, परिवार में एक स्थान बनाने का प्रयास करना है। 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के हो गए और हमने अपने परिवार को क्या दिया? आज हमारे आपके अकाउंट को देख लिया जो 5 लाख रुपए भी बैंक में नहीं होंगे, आपने अपने जीवन में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 20 साल काम कर लिया सहारा, और सहारा में काम करके 20 साल काम करने के बाद आपने घर भी नहीं खरीदा, क्या 50 गज का है तो नहीं, 25 गज का है तो नहीं, तो क्या अचीवमेंट है जिंदगी का? माननीय मंडल प्रमुख महोदय के द्वारा हमारी मजबूती से रखा गया कि हर आदमी 1 तारीख में 1,00,000 रुपए का योगदान कहते हैं, उसमें आप 30% फ्रेश हो, डेली मंथली हो, रिन्यूअल हो, चाहे ये 1,00,000 रुपए से आपको क्या मिलता है? अगर स्टार्ट टू उसको हाथ अपने हाथ ऐसी दे दिया, क्या दे दिया जाए? मतलब आप ये समझ लीजिए 1,00,000 रुपए पे 51,000 रुपए, 5100 रुपए जो है आपको एकदम शुभ दिख रहा है सारा, मैंने 1,00,000 लाए और 5100 रुपए का पैकेट बना किसी को माला के साथ यूज कार्यकर्ता को लौटा। तो मेरा आपसे सोच यही है कि हर कार्यकर्ता कोशिश ये करे कि 1 तारीख को 1 दिसंबर को मैं सगन के रूप में आईसी उसी समय प्राप्त हो। पूर्व के रुके हुए भी जितने कमीशन है सबका भुगतान दिसंबर महीने में बने, मगर ये एकदम खास आ गया कि 1 तारीख हमें लगता है कि ये बड़ा काम करना है और आपका लक्ष्य कितना है? 2 करोड़। तो इसमें आपकी भागीदारी आज क्या करेगा उसको आप छोड़ दो, अब इससे तय ये करना है कि आप और आपकी टीम के द्वारा कितना किया जाए, हमें ये चाहिए। और मैं चाहूंगा इसमें कि थोड़ा सा सहयोग करते हुए हमें बहुत जल्दी में जो है जो भी लोग बैठे हैं मैं कुछ लोगों को खड़ा करूंगा और हमें सिर्फ इतना बता दूं कि आपका सेल कितना हो रहा है आपकी टीम का, इस बात का खास ध्यान रखते हुए कि माननीय ट्रेजरी प्रमुख महोदय के आदेश था, उनका एक सुझाव था कि हर व्यक्ति 1 तारीख को 1,00,000 का योगदान दे और उस योगदान में 100 रुपए का ऐसी के रूप में सिर्फ तुरंत प्राप्त हो। उसके अलावा ब्रांच की कुछ प्रतियोगिता निकाले हुआ है, कंपनी की भी प्रतियोगिता आएगी, ये सब चीजें अलग है, सबको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 10% से ₹2,30,000 जो भी ऐसे बनता है लिफाफे में डाल के एक माला एक लड्डू के साथ
इसको लोग कर लीजिए हो तुरंत है एक लाख का मतलब हो गया कि मुरझाया हुआ थका हुआ लग रहा है कि लग रहा है चेहरे से क्या लग रहा है नाश्ता वास्ता करीब मिला है नहीं तो बुरे हो जाए मिला है अरे खाने को सुस्त हो जाए भाई तो खाट बाट सब छोड़ लगा दिया तुमने लोग अपना आराम भी कर लेते चल तो 25,000 तो खुशी मनाओ 25,000 रुपए तो मिल रहा है लक्ष नहीं है लक्ष कुछ नहीं होता आप करना है लक्ष को मैंने समाप्त कर दिया अब तो ये है कि जो कह दिया उसे हर हालत में कर ये ब्रांच का भी सम्मान है और आपका भी सम्मान है पांच लाख आपका इन लोगों के लिए 25-25 लाख कर रहे हैं उनको बधाई बहुत बहुत
कमल। इस बात को थोड़ा सा आप लोग बहुत गंभीरता से लेंगे, इसलिए आप पूरी तैयारियों को समझने से आप बहुत अच्छे हो और अच्छा आपने कल काम किया। मैं नहीं चाह रहा, सच्चाई बता रहा हूं, मैं ये नहीं चाह रहा कि जब कुछ उत्सव मनाया जा रहा हो तो उसमें आप पीछे दिखे। आप चाहेंगे? मैं ये चाहता हूं कि अगर आपके ब्रांच का 2 करोड़ है, आप 2 करोड़ प्लस कर लीजिए। इसके लिए आप लोगों को अपने सोच को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। जो 1 लाख कर रहा है वो 2 लाख करे, 3 लाख करे, जो 5 लाख कर रहा है वो 10 लाख की ट्राई करे, जो 10 लाख 15 लाख कर रहा है वो 20 लाख की ट्राई करे। जब तक ये बड़ी सोच नहीं बनाएंगे ना, आप भीड़ में खो जाएंगे और हम नहीं चाहते गाजीपुर की भीड़ में खो जाए। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और अगेन आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयां कि आप लोग अच्छा काम करें, आगे बढ़ें। आ रही है ना आवाज़? जैसा कि सबने पूरे मतलब विश्लेषण अगर इसका हम किया जाए तो यही है कि 2002 की बात है, ठीक है, और दिसंबर का महीना था और उस समय शायद मोबाइल सबके पास था, हमारे पास नहीं था, और लैंडलाइन नंबर था मेरा, तो मेरी दुकान पे पीसीओ का काम करता था। मुझे अच्छी तरह याद है उस समय जो है मैंने सर को एक फ़ोन किया कि सर हम इतनी दूर जाते हैं तो और मेरे यहाँ पे भी जो है डेवलपमेंट हो सकता है, एक ब्रांच की व्यवस्था यहाँ कर। दिसंबर की बात है, दिसंबर 2002 की बात है, और इन्होंने कहा था ठीक है हम देखते हैं और उसका व्यवस्था हो जाए। उसके बाद अजीत आपको अलीपुर में ब्रांच चाहिए थी ना? मैं कहा हाँ सर। तो बोले के जाके जो है रीजन में फार्म भर दो, ठीक है। तो मुझे कुछ पता ही नहीं था ना, फ्रेंचाइजी का पता था, क्या फ्रेंचाइजी होती है, कैसे रसीद कटती है, क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होता है, बस टीम के साथ मिलके अल्लाह बोल देते थे और काम कर लेते थे। और मैंने सिर्फ जाके वही किया, और आज भी जो है ना सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि उतना ना हो जितना सर निर्देश देते हैं या सलाह देते हैं, लेकिन आज भी कुछ भी चाहे मैं अपने मन से करूँ चाहे कैसे भी करूँ, लेकिन सर की बातों जो भी होती है उन पर अमल करने का मैं अपनी तरफ से 100% पूरा प्रयास करता हूँ, और पूरे का पूरा जो है उस पर ज़्यादातर हम खरे भी उतरते हैं, कभी कभार गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, वो भी एक सामूहिक रूप से बात हो रही है। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ जो अब तक जिन लोगों से बात हुई है और जो लोग नहीं भी आए हैं, कि कुल मिला के हमारा जो है 1 दिसंबर को 2 करोड़ क्लियर हो रहा है, नहीं हुआ है? बातचीत हुई है सभी यहाँ केवल यहाँ मौजूद व्यक्ति अगर सेल्फ कोड टीम भी साइड में कर दिया जाए, सिर्फ सेल्फ कोड कर ले हैं तो 1,73,00,000 रुपये, कहाँ से हम कमजोर हैं, सिर्फ यहाँ से। इसमें ये बैठा देना है कि 1 तारीख से पहले 30 तारीख तक मुझे दो तुम थोड़ी थोड़ी हाँ ये बोलो ना, कमजोर क्यों बोलना, करने के बाद सोचते जी, करके पहले प्लानिंग नहीं है कि हमें क्या करना, प्लानिंग हो गई, अब देखो तुम 2 करोड़ पार कर जाओ जी सर। 30 तारीख तक जो है, 30 तारीख से पहले पहले, अब हमारे पास 3-4 दिन बच गए, वो बाद के 2-3 दिन बाद की बातें हैं। 30 तारीख तक हम लोग जो हम लोगों ने आज तय किया है, इसका जो है मैक्सिमम पार्ट लगभग 80%, 70%, 90%, या जैसे तेजपाल जी की टीम से 5 लाख लिखवाया 100% उन्होंने करवा दिया है। तो इस तरीके से जो है हम लोग सर को पूरी तरह आश्वस्त कर दूं कि नहीं कर दूं? अभी डाइट आउट है ना? नहीं, पैकेट बनाओ, पैकेट पैसा दे, ठीक है वो सब लफड़े मत सोचो, ठीक है सर, तुम अपना देने का सोचो, देने के लिए तो तैयार हो गया सर, होना ही तैयार नहीं है। 6 करोड़ हो गया
और बाकी की जो ब्रांच है वो खा गए 200 ओवर तक काम करने वाले हैं। कोई 1000 रुपए का खाता खोलेगा, कोई 1 लाख का खोलेगा। सिर्फ हमें करना क्या, सच्चे दिल से आज से ही प्रयास करना है कि 20 से 25 जमा करता हो कोई 1 तारीख तक ले लेना है, और बाकी 25 जमा करता होगा पूरे दिसंबर में। और जब कोई गाड़ी स्पीड में चलती है, ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब एक कोई गाड़ी स्पीड में चलती है उसके ब्रेक लगने के बाद भी दूर बहुत आगे तक चल जाती है। अगर हम आज से मेहनत करते हैं तो हम जो है 5-10 जनवरी तक भी उसका लाभ उठाएंगे। लेकिन ईमानदारी से केवल 50 जमा हम लोग मान के चले कि बैठे दुनिया में बैठे। मेरा मानना ये है कि ठीक है, 10 करोड़ का लक्ष्य 7 करोड़ को बीत कर, और उसमें अभी जो बात हो रहा था जमा हो चुका है। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ।